नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा में शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति बनी, शहर का पुलिस अमला बाजारों में दौड़ने लगा और भीड़भाड़ वाले स्थानों को खाली कराने की कवायद शुरू कर दी गई। मगर फिर भी शराब कारोबार को रोक पाने में प्रशासनिक अमला निष्क्रिय रहा और शराब कारोबारी धड़ल्ले के साथ अपने कारोबार में मशगूल हैं। और लॉकडाउन होने के बाद अब प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा शराब की दुकान से ही ब्लैक पर महंगे दामों में शराब बेची जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। जिसके लिए रीवा में पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर भर का भ्रमण कर लोगों की दुकानों को बंद कराया गया और राहगीरों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश दी गई। एक और जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा दुकानों को बंद कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन में शराब का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है और शराब दुकान संचालक दुकान के शटर को बंद करके शटर के नीचे से ब्लैक में शराब की बिक्री कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग टीवी की टीम के द्वारा आज लॉकडाउन के अवसर पर ब्लैक में बिक रही शराब को लेकर कवरेज की गई, जिसमें सामने आया कि शराब दुकान संचालक के द्वारा शराब दुकान के बाहर एक प्राइवेट आदमी को खड़ा कर दिया गया है, जो राहगीरों से शराब के दामों को तय करके उन्हें ब्लैक में शराब दे रहा है। कवरेज के दौरान हमने देखा कि शराब दुकान संचालक के द्वारा शराब के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दाम बनाए गए और लॉकडाउन में महंगे दामों के साथ लोग खरीदने को भी तैयार हैं। दुकान की नहीं है ये, हवली मेरे घर में किराए से है, मैनेजमेंट है उसका। तो आज लॉकडाउन था तो हम लोग भी आ गए। कहाँ चाहिए बताइए, दिलो आ जाए तो लौटी ना सब बताए ना। हाँ मत गाड़ना ना करी, अब राउंड हुई हाका आमे वाला है तो तुमने खुलाई अपना कहा चाहिए हम भी मंगा दी। हुए शहरी निकाय की दुकानें हमारी बंद की गई हैं। नगर निगम रीवा क्षेत्र में स्थित 13 दुकानें और 11 नगरीय क्षेत्रों में कुल 2 दुकानें हैं, 22 दुकानें, टोटल 35 दुकानें आज शाम 6 बजे से लेकर सोमवार शाम सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। और कुछ जगह शटर खोल के बाहर से तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ब्लैक में दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे भी सूचना नहीं आई है, आप लोग सूचना करिए, हम लोग उसको बिल्कुल लॉक करवाएंगे। रेट से ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे दो चार लोग उनके बाहर खड़े हुए हैं। हाँ। और जैसे ही कस्टमर जाते हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट करके। नहीं नहीं, हमारी टीम लगी हुई है गश्त में, जो आप लोग सूचना बताइए हम लोग तुरंत वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना, हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैरी सतना मध्य प्रदेश।